नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑटोकैड 2024 से सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं उनको जो है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कैसे कन्वर्ट करें और फिर उनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है, तो ये कैसे बनाएंगे इसके लिए जो है हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी ड्राइंग्स को ही जो है हम यहाँ पर अब इसमें बना के देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ये ड्राइंग भेजी एक स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर जो है कुछ नई कमांड्स का जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं, कैसे इसको बनाएंगे चलो देख लेते हैं। तो 20x60 का जो है कंपोनेंट है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन लेंगे और ये लाइन जो है आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए 60, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो है आप रेडियस सर्कल ले लीजिए आप R10 का, 10 एंटर, ठीक है। अब यहां से आपको जो है एक तो सेंटर लाइन से जो है आपको ऑफसेट लेना होगा 5 का इधर और 5 का इधर, ठीक है, क्योंकि ये 10 आपने यहां पे ले लिया। अब ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जो है देखना पड़ेगा कि ये कहां पर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर मिल गया डायरेक्टली, ठीक है। अब इसी पॉइंट से आगे जो है आपको यहां पर कितना डिस्टेंस पे चलना है, ये आपको डिस्टेंस लेनी है इस पॉइंट से, यहां से आपको जो एक लाइन खींच देनी है, इस लाइन को जो है आपको ऑफसेट लेना है इस पॉइंट से 21.34 एंटर, ये देखिए। अब इस पॉइंट से आपको जो है ये बना देना है 5 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और 5 एंटर, ठीक है। इस तरह से जो है आपका बाकी का हिस्सा जो है आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको चैम्फर लेना है, चैम्फर के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां पर जो है आपको डिस्टेंस डालनी है 2 एंटर, 2 एंटर, ठीक है। यहां पर आपको हैच लेना है, हैच कमांड के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है हैच बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ड्राइंग आपकी बन चुकी है, इसमें आपको जो है ट्रिम एक बार और करना पड़ेगा, ये वाला जो सेक्शन आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है 18.66 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये डिस्टेंस ये है और यहां से यहां के बीच 18 है, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस ये है और ये जो है आपकी 10 है, ठीक है। तो ये आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आप लीडर लाइन ले सकते हैं, लीडर लाइन का आप यूज कर सकते हैं, टेल ई टाइप करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे और एस्केप बटन से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आपको जो है सी टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए और उसको आप यहां पर रख दीजिए, ठीक है। ये जो है आपका इस तरीके से आप जो है ड्राइंग बना सकते हैं, ये देखिए 18.66 है, R10 की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए यस। तो अब ये है, तो आप ये ड्राइंग बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अप्रोच आप कहाँ से करते हैं। देखो एक तो ये अप्रोच होगी, ठीक है, दूसरा अप्रोच आप यहां से भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप जो है सर्कल लेते हैं, ठीक है, R10 का आपने सर्कल लिया, दूसरा आपको जो है एक लाइन लेनी है, वो यहां से आप जो ड्रॉ करिए, ठीक है, इसको आप ऑफसेट ले लीजिए 18.66 का एंटर कर दीजिए, ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से आपको जो है ड्रॉ कर देना है F8 दबा के और 21.34 एंटर कर दीजिए, ऊपर ले लीजिए
फाइव एंटर, 20 एंटर और 10 एंटर, ठीक है। अब इस सेक्शन को जो है आप मिरर कर दीजिए इसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, ये हटा दीजिए, यहां पे आप चैम्फर ले लीजिए, ये देखिए, और ये ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, एच ले लीजिए और ये आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सेम चीज है, डायमेंशन भी सेम आएंगी, एग्जैक्टली वही आएंगी जो आपने ली हुई है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, क्योंकि यहां से जो है आपने जो वैल्यू डाली है वही आएगी, ठीक है। ये देखिए, सेम जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो इसलिए जो है आप कौन सी अप्रोच लेना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। देखो बहुत ही, यहां से आप जो है जो भी अप्रोच लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, कौन से अप्रोच से आप जो है ड्राइंग को बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो इजी लगे और जिसमें आपका कम टाइम लगे वो अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो है कई सारे और मेथड हैं जिनके थ्रू भी आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।